रेवाड़ी जिले में दो सगे भाइयों ने गांव की बड़ी में जाकर जहर खा लिया। दोनों बेटे की जहर खाने से आहत बाप ने भी फांसी लगा ली। इस दुखद घटना में पिता और उसके छोटे बेटे की मौत हो गई, जबकि बड़े बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे रोहतक PGI रेफर किया गया है। दरअसल रेवाड़ी जिले के गांव राजगढ़ निवासी सुभाष के बड़े बेटे कमल और छोटे बेटे जतिन ने सोमवार की रात गांव की बड़ी में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। ग्रामीणों ने दोनों सगे भाइयों को बड़ी में पड़ा देख तुरंत इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी। इसके बाद दोनों को तुरंत ट्रामा सेंटर लाया गया। मंगलवार को छोटे बेटे जतिन ने दम तोड़ दिया, वहीं बड़े बेटे की हालत गंभीर होने के कारण उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया। इससे सुभाष बुरी तरह टूट गया। मंगलवार शाम छोटे बेटे जतिन के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद सुभाष ने भी फांसी का फंदा लगा लिया। परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देख इसकी सूचना पुलिस को दी। हम उसको जो उसके लड़का एक्सपायर हुआ था उसके समय उसके कार्यक्रम कर रहे थे उसके अंदर, तो जैसे कि लकड़ी रखी वहाँ पर, तो हमें पता चला कि वो भी ख़त्म हो गया। हम वहाँ से दौड़े चले आए तो पूछा कि उसमें सदमा आ गया था। उसने पजामा निकाल के गले में डाल दिया था और तार वगैरह था, उन्होंने उससे फांसी लगाई थी, लेकिन उसका अटैक से आया था, सदमा हो गया था लड़की का, इसलिए वो हो गया था। क्या मानते किसकी क्या वजह मानते थे? बस यही है, उसका गम हो गया था लड़का का, उसके आगे लेके गए थे लड़के को। बच्चों ने ऐसे खाया था कि घर में ऐसे कोई बात तो हुई नहीं थी, कोई नॉर्मल बात हुई थी। मम्मी ने उसके थप्पड़ वगैरह कुछ मार दिए और वो निकल गए दोनों गुस्सा होके। घर से निकले तो वो बड़ी साइड चले गए। फिर हमने बाकी देखा भी, ढूंढा भी, नहीं मिला नहीं वो कोई भी। फिर उसके बाद में वो पूरी रात नहीं आए। हमने नाइट में देखा, चेक किया, बाइक लेके घूमे, हमें कुछ पता नहीं चला, मालूम भी नहीं चला। सुबह मालूम चला, बोलो एक लड़का ठीक है, एक लड़का थोड़ा लेटा हुआ है। तो हम गए वहाँ पे, तो मैं तो कंपनी में था, मैं तो कंपनी से गया था, और मेरे भाई थे, चाचा था, ताऊ थे, वे सभी चले गए थे। फिर वो एक जतिन तो ख़त्म हो लिया था और कमल गंभीर था। ये कल राजगढ़ गांव में दो भाइयों ने भूलवश कोई अपने सल्फा की गोलियाँ है ना, वो खा ली थी। उसमें एक तो जतिन सरनोब सुभाष की मृत्यु हो गई थी, उसका कल ही पोस्टमार्टम करवा के नाश उनके वारसान के हवाले करी जा चुकी है, और दूसरा जो कमल है सनो सुभाष, उसकी हालत थोड़ी शिथिर है अभी। उसके बाद जैसे इसके बाद पोस्टमार्टम दाह संस्कार के लिए गांव में जा रहे थे उसको करवाने के लिए, तो जो मृतक है सुभाष सनो मौजी सिंह, ये आधे रास्ते से चकमा देकर और वहाँ जो खेतों में तार फिनिशिंग है उसमें अपना पजामा निकाल कर गले में फंदा लगा कर इसने सुसाइड किया है। बाद में इन्होंने उतारा जब तक इसकी मौत हो चुकी थी। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, इसमें कोई आगामी पुलिस कार्रवाई नहीं करवाना चाह रही। कह रहे हैं वो अपने बच्चे के सदमे की वजह से, 14 साल का बच्चा था जो मृतक जतिन था, वो उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं करते उन्होंने ये काम किया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। फिलहाल इस दिल दहला देने वाली घटना के बीच घरेलू कलह बताई जा रही है। हालांकि रामपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।